प्यारे बोलो श्री सदगुरु महाराज की प्राणधार आत्मसंबंधी सुंदर जी हमने प्रारंभिक मंच से ही अर्थात आचार्य सूर्य प्रताप जी की चर्चा से ही ज्ञान की गहराई की बातें सुनी पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से हमने मारीफत के रहस्य को भी समझा फिर मुझे लगा कि श्रोताओं में भी सुनने का स्तर सबका अलग अलग होता है तो कुछ बातें सामान्य स्तर की भी हो ताकि सबका बैलेंस बना रहे किरंतन ग्रंथ है प्रकरण संख्या 26। गायन हमने सुना था थोड़ी देर पहले रणजीत जी के द्वारा कि खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो खोज बड़ी संसार खोजत खोजत सतगुरु पाइये सतगुरु संग करतार। इस दुनिया में खोज का बहुत ही महत्व है चाहे वह भौतिक क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र मनुष्य की उन्नति तब रुकती है जब वह खोज करना बंद कर देता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति बंद कर देता है दर्शन का तो कथन ही है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए अथा तो धर्म जिज्ञासा धर्म को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए लेकिन आज हमारे समाज के पतन की स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि हमने खोज करना तो कर दिया बंद और सुनी सुनाई बातों पर या जो बातें परंपरागत तरीके से चली आ रही थी उसको स्वीकार किया उसको माना और न सिर्फ माना बल्कि उसी को धर्म का वास्तविक स्वरूप समझा मंच पर बैठ करके व्यास आसन पर बैठ करके पंडितों ने गुरुजनों ने जो कह दिया उसको हमने आंख मूद करके माना और वहीं से भ्रांति की भी शुरुआत हुई मैं ये नहीं कहता कि आप किसी की बात मानना बंद कर दीजिए लेकिन किसी बात को आंख बंद करके मानने से पहले थोड़ी सी परीक्षा जरूर लीजिए और परखने के लिए हमारे पास क्या है हमारे पास ईश्वरीय वाणी के रूप में वेद भी है ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए ग्रंथ हैं और यदि ऐतिहासिक रूप से किसी प्रकार के प्रमाण को खोजने की आवश्यकता है तो उसके लिए इतिहास के रूप में रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथ भी है हाँ समय समय पर कई ग्रंथों में मिलावटें अवश्य हुई है लेकिन वेद में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं हुई है अभी तो हम वाणी तक पहुंचे ही नहीं हैं तो हमने क्या किया कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा जो बातें सुनी उसको बिना किसी प्रकार की जांच के अनुसरण करना शुरू किया जैसे मैं एक दृष्टांत दू सबसे पहले तो इस दृष्टांत को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी को दीपावली की शुभकामना देना चाहूँगा और थोड़ी सी बात उस विषय में भी रखना चाहूँगा क्योंकि आज मुझे लगता है कि समाज का निन्यानबे दशमलव नौ नौ प्रतिशत लोग भ्रांति में हैं दीपावली के संदर्भ में भी हम फिर वाणी के विषय में भी आएंगे लेकिन बिना खोज के किस तरह से समाज अंधानुकरण करता है मैं उस विषय को भी थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा आप में से किसी को भी पूछूं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है तो लगभग सभी का ये जवाब होगा कि दीपावली के दिन विजयादशमी को राम और रावण के युद्ध में राम ने रावण को जीता था रावण की मृत्यु हुई थी और फिर जब राम लौट करके आए थे दीपावली के दिन अयोध्या में पहुंचे थे तो सभी नगरवासियों ने दिए जला करके उनका स्वागत किया ऐसा आप मानते हैं या यही जानते हैं लगभग निन्यानबे दशमलव नौ नौ प्रतिशत हो सकता है कि शून्य दशमलव शून्य शून्य एक प्रतिशत लोग शायद सत्य से अवगत होंगे अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं यदि आपको पता हो तो जवाब देना कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कितने वर्ष के लिए वनवास गए थे चौदह वर्ष के लिए साढ़े चौदह वर्ष या साढ़े तेरह वर्ष ऐसा कुछ है नहीं एक रामचरित मानस में भी एक बात बहुत प्रसिद्ध है इसको शायद सब ने सुना होगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर अब बताइए कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राज्य राज्यभिषेक कब करना था नए वर्ष में ही पहले रा, राज्य राज्यभिषेक किया जाता था नया साल हमारा कब शुरू होता है चैत्र के महीने में है ना? अच्छा उत्तर भारत में और इधर गुजरात तथा दक्षिण भारत में महीने की गिनती में लगभग पंद्रह दिन का फर्क पड़ता है ठीक है बस इतना ही फर्क है अन्यथा कोई फर्क नहीं है उस हिसाब से भी देखें तो चैत्र के महीने में राज्य अभिषेक होना था तो जिस दिन राज्य अभिषेक होना था उसी दिन उनको चौदह वर्ष का वनवास मिला उस हिसाब से देखें तो चौदह वर्ष कब पूरा होगा चैत में ही पूरा होगा है ना तो फिर दीपावली में कैसे आ गए साढ़े तेरह वर्ष का वनवास भी नहीं था साढ़े चौदह वर्ष का भी वनवास नहीं था और जब भरत श्री राम को बुलाने के लिए गए थे वन में तो उस समय श्री राम ने वचन दिया था कि चौदह वर्ष का जो मैंने वचन दिया है पिताजी के भाव को समझते हुए तो मैं चौदह वर्ष के पूर्ण होने पर अयोध्या पहुंचूंगा तुम्हारे पास पहुंचूंगा आऊँगा ऐसा तो भरत ने कहा था कि यदि आप नहीं पहुँचे तो उस दिन मैं आत्मदाह कर लूंगा इस हिसाब से कब पहुंचना था उनको चौदहवें वर्ष में ये महीना कौन सा है अभी जो महीना चल रहा है वो आश्विन का दीपावली कभी कभी आश्विन महीने में पड़ती है कभी कभी कार्तिक में है ना तो उस हिसाब से दीपावली का मतलब क्या हुआ कि इतना तो पता चला कि मर्यादा पुरुष राम आज के दिन नहीं आए थे और उसी भाव से अगर देखें फिर तो रावण को भी विजयादशमी में नहीं जीता होगा है ना रावण को कब जीता था वाल्मीकि रामायण सबसे बड़ा आधार है ना रामलीला का आधार क्या है वाल्मीकि रामायण बाकी जितने भी रामायण है वो वाल्मीकि रामायण के आधार पर सभी कवियों ने अपना अपना भाव उसमें व्यक्त किया है वरना आधार तो वाल्मीकि रामायण ही है वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में वर्णन आता है कि बाली को मारने के बाद श्रावण महीने में अंगद को युवराज के रूप में अभिषेक किया गया अंगद को अब क्योंकि सावन का महीना था अब वर्षा चतुर्मास आती है ना तो चतुर्मास शुरू हो रहा था तो राम ने कहा कि ये चतुर्मास समाप्त हो जाए उसके बाद हम सीता की खोज में निकलेंगे क्योंकि वर्षा के चार महीने उसमें तो खोज कर पाना संभव नहीं था तो सावन महीने को साथ में मिला करके भी यदि चार महीने गिनते हैं तो कौन कौन से महीने होंगे सावन भादो आश्विन और कार्तिक का महीना होता है अच्छा चार महीने तो खोज कर अभी खोज की शुरुआत ही नहीं हुई है कार्तिक अभी आना बाकी है तो चार महीने तक खोज की शुरुआत नहीं हुई और उसके बाद भी चतुर्मास समाप्त होने के बाद भी एक महीना जब बीत गया सुग्रीव कुछ कर नहीं रहा है राज्य के भोग में वो लिप्त है तो फिर लक्ष्मण पहुंचे सुग्रीव के पास और फिर धनुष कि प्रत्यंचा को बहुत जोर से खींचा टंकार किया और सुग्रीव के लिए उस उन्होंने संदेश दिया लक्ष्मण ने कि तुमने जो वचन दिया था चतुर्मास के बाद सीता की खोज शुरू करने का यदि शुरू करना है तो जल्दी से करो अन्यथा जिस रास्ते से बाली को भेजा है वो रास्ते का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ है तुम्हें भी उसी रास्ते से भेज देंगे ऐसी धमकी दी उसके बाद सुग्रीव ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और फिर खोज शुरू हुई खोजते खोजते भी कई लंबा समय बीत गया उसके बाद में फिर मैं अब संक्षेप में बता रहा हूं उसके बाद हनुमान जी गए फिर जब हनुमान जी पहुंचे तो उस समय में सीता ने हनुमान जी से कहा था कि रावण ने इस वर्ष भर की अवधि दी है साल भर की अवधि दी थी ना कि यदि साल भर तक तुम नहीं मानी मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें कटवा करके राक्षसों को खिलवा दूंगा पका करके ऐसा कहा था और वो दो महीने बीत वो साल बीतने में दो महीना बाकी था तो दो महीना कब होगा माघ के महीने में है ना तो तब हनुमान जी पहुंचे थे उसके बाद वापस आए फिर समुद्र में पुल बनाने की प्रक्रिया पूरी हुई उसके बाद राम और रावण का युद्ध हुआ और युद्ध शुरू हुआ था कब फाल्गुनी नक्षत्र जब समाप्त हुआ फाल्गुनी नक्षत्र समाप्त हुआ मतलब फागुन का महीना समाप्त हो गया उसके बाद जब अगला नक्षत्र शुरू हुआ तब राम और रावण की सेना के बीच में युद्ध शुरू हुआ जो युद्ध कई दिनों तक चला और जब रावण मरा उसके बाद वहां से चले और चैत्र महीने में वापस पहुंचे अयोध्या अब बताइए इनमें विजयादशमी में, में रावण कैसे मरा और दीपावली में राम कैसे पहुंचे अयोध्या नहीं अब सवाल आपके मन में ये हो रहा होगा कि जब सच ये है तो फिर विजयादशमी उस समय क्यों मनाते हैं और आज के दिन दीपावली क्यों मनाते हैं तो इसका कारण ये है कि प्राचीन समय में जो बड़े बड़े राजा होते थे वो विजय यात्रा के लिए ये चतुर्मास समाप्त होने के बाद ही निकलते थे इस वजह से उस समय को विजय यात्रा के परिचय के रूप में परिचायक के रूप में मनाया जाता था अब विजय यात्रा के समय में वीर गाथाओं को जैसे दोहराया जाता था याद दिलाने के लिए तो राम और रावण के युद्ध का नाटक होता था अच्छा आप पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाएंगे तो रावण राम और रावण का नाटक नहीं होता है वहां पर दुर्गा और महिषासुर का नाटक होता है और ये भी बुराई के ऊपर अच्छाई के विजय के रूप में है तो इन सब का नाटक किया जाता था इस वजह से अब नाटक उस महीने में किया जाता था तो धीरे धीरे लोगों को क्या लगने लगा कि इस महीने में ही शायद राम और रावण का युद्ध हुआ होगा तो वास्तव में विजयादशमी मनाने का कारण राम और रावण का युद्ध नहीं है और दीपावली मनाने का कारण राम का अयोध्या लौटना नहीं है अभी आप देखेंगे कि हर जगह पर अनाज के काटने का समय हो रहा है हो रहा है ना तो भारत क्योंकि कृषि प्रधान देश रहा है प्राचीन काल से ही तो अब जब अनाज तैयार हो रहा है सबके घर में क्योंकि पहले तो धन के रूप में क्या होता था आज की तरह पैसा तो नहीं होता था करेंसी नहीं होती थी मुद्रा बहुत कम लोगों के पास में होती थी धन के नाम पर अनाज ही हुआ करता था अनाज के लेन देन से ही मान लीजिए कि अगर कोई व्यापारी घी का व्यापार भी करता होगा तो पैसा दे करके नहीं खरीदते थे लोग उसके बदले में अनाज देते थे तो धन के रूप में अब अनाज घर में संग्रहित हो रहा है तो खुशी मनाने के लिए पहले होता था हवन हवन में घी और अनेक औषधियों की आहुति दी जाती थी फिर धीरे धीरे क्या हो गया घी की जगह ले लिया तेल ने क्योंकि अब गाय का पालन कम होने लगा फिर धीरे धीरे अब तो सरसों का तेल भी महंगा होने लगा तो अब तेल की भी जगह ले ली मोमबत्ती ने और अब तो देखेंगे मोमबत्ती भी बहुत कम घरों में जलती है अब तो चाइनीज लाइट आ गई है उसमें क्या होता है सेल होता है पानी के ऊपर रखो तो प्लस और माइनस उसमें अपने आप वो टच हो जाता है और अपने आप जलती रहती है या फिर चाइनीज झालर रड़ियों ने ले ली है तो वास्तविकता ये है कि दीपावली मनाने का कारण पहले हवन का होना था और विजयादशमी उस समय मनाने का कारण चतुर्मास समाप्त होने के बाद विजय यात्रा पर निकलना था लेकिन चूंकि हमने तो हमारे ग्रंथों को खोल करके नहीं देखा कभी नहीं देखा सुनी सुनाई बात या जो अंध परंपरा चली आई उसी का अनुकरण किया उसी का अनुसरण किया तो इसलिए इस प्रकरण में महामती जी खोज की महत्ता दर्शा रहे हैं चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हर स्थान में खोज का अपना महत्व है जैसे भौतिक क्षेत्र में भी वैज्ञानिकों ने खोज नहीं किया होता आज हम यहां पर बैठ करके माइक के माध्यम से आवाज़ को सुन रहे हैं यदि इसका आविष्कार नहीं हुआ होता तो परेशानी होती कैमरे का आविष्कार हुआ तो आज घरों में बैठ के लोग हमारी बातों को सुन सकते हैं या हम किसी और की बात को सुन सकते हैं बल्ब का आविष्कार हुआ बिजली की खोज हुई तो इन सभी प्रकार के भौतिक खोज से भौतिक आविष्कारों से हमारा जीवन सरल हुआ है इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में भी खोज का अपना महत्व है अब चूंकि भौतिक क्षेत्र की खोज को तो हम विद्यालय में पढ़ते ही हैं आज सूर्य प्रताप जी ने भी अपनी चर्चा में कई उदाहरण दिए कि किस तरह से सृष्टि की रचना हुई है किस तरह से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है यदि भौतिक क्षेत्र से भी देखें अभी जब आचार्य सूर्य प्रताप जी की चर्चा हो रही थी तो बहुत सारे चेहरों में क्वेश्चन मार्क था बहुत सारे लोगों के चेहरे में क्वेश्चन मार्क था कब मैं बताऊं आपको याद आएगा जब उन्होंने कहा कि वायु से अग्नि अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की रचना हुई तो कई लोगों के मन में आया कि अग्नि से जल की उत्पत्ति कैसे हो सकती है और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हो सकती है ये तो भौतिक खोज के आधार पर भी पता चलेगा और आध्यात्मिक क्षेत्र में आप देखेंगे तो सूर्य प्रताप जी ने दर्शन के सूत्र भी बताए और साथ में उपनिषद के भी उन्होंने उदाहरण दिए अब जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं क्योंकि स्कूल में ही हमारा कार्यक्रम है यहां तो काफी सारे पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग होंगे आपको पता है कि जल की उत्पत्ति कैसे होती है ना कैसे होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अग्नि तत्व हैं है कि नहीं जैसे आपको मोमबत्ती जलाइए आप उसको ढक दीजिए ऑक्सीजन न मिल पाने से वो जल नहीं सकता ऑक्सीजन की वजह से ही मोमबत्ती जलती रहती है या कोई भी किसी भी तरह आप दिया प्रज्वलित कीजिए या कुछ भी कीजिए यदि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो नहीं जल सकता तो वह भी अग्नि तत्व है और हाइड्रोजन बम के रूप में देख लीजिए या फिर परमाणु संयंत्र जो होते हैं ना एटमिक एनर्जी जैसे बिजली बनाई जाती है तो ये सब अग्नि तत्व है लेकिन जब दोनों अग्नि तत्व आपस में मिलते हैं हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो जल तत्व की संरचना होती है फिर जल तत्व इसके तीन रूप हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस है ना हवा के रूप में भी है गैस के रूप में ठोस रूप में भी है तरल रूप में जब तापमान उसका बहुत कम होता है शून्य से नीचे चला जाता है तो वो बर्फ बनता है तो जो बर्फ के रूप में है वो पृथ्वी तत्व है हाँ समयांतर में क्योंकि पृथ्वी को अब तक अब जैसी पृथ्वी है उसको यहाँ तक पहुँचने में सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के अब तक पहुँचने में एक अरब छियानबे करोड़ आठ लाख तिरपन हजार वर्ष लगे हैं तो इतने वर्षों में परमाणुओं की सघनता कभी कम होती गई ज्यादा होती गई ये सर्दी गर्मी वर्षा ऋतुओं के परिवर्तन से तत्वों में आपस में विघटन होता गया और आज पृथ्वी इस रूप में है अब ये सारी बातें कैसे पता चली हमें खोज के द्वारा अब आप जब आध्यात्मिक क्षेत्र में भी खोज करेंगे भौतिक क्षेत्र में भी खोज करेंगे तो ये दोनों चीजें आपस में मेल होंगी लेकिन होता क्या है कि जो थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़ लेता है वो क्या सोचता है कि अध्यात्म व्यर्थ है अच्छा अध्यात्म को थोड़ा बहुत जो पढ़ लेते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है जैसे आधा अधूरा यदि वेदांत का ज्ञान रखने वाले लोग होंगे तो वो क्या कहेंगे कि ये ब्रह्म, ये ब्रह्मांड ये संसार तो कुछ भी नहीं है ये सब कुछ मिथ्या है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कह देंगे लेकिन दोनों सत्य से कोसो दूर है दोनों को आधा, आधा आधा पता है यदि खोज करने की प्रवृत्ति होती तो जो अध्यात्म के क्षेत्र में आधा अधूरा ज्ञान रख रहे हैं उनको भी पता चलता कि वास्तविकता क्या है और जो भौतिक क्षेत्र में खोज करते जा रहे हैं जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक होंगे वो अध्यात्म को कभी भी नकारते नहीं है हाँ वो ये कह सकते हैं कि हमें पता नहीं है लेकिन जानकारी ना होना और न मानना दोनों अलग अलग चीज है अच्छा जो लोग ये कहते हैं कि जो दिखता नहीं है या जिसका हमने अनुभव नहीं किया हम उसको मानेंगे ही नहीं तो उनको मैं मूर्ख तो नहीं कहूंगा थोड़ा बुरा लग सकता है उनको मैं अज्ञानी नहीं कहूंगा क्यों क्योंकि विज्ञान भी ये नहीं सिखाता कि आप किसी भी चीज को बिना सोचे समझे नकार दो हर क्षेत्र में खोज तो चल ही रहा है ना किसी चीज को आपने देख लिया तो स्वीकार कर लिया वो अच्छी बात है लेकिन बिना देखे नकार देना ये तो सही नहीं है ना क्या पता कि आगे भविष्य में आने वाला कोई वैज्ञानिक ही उसे खोज ले क्या पता कोई इस तरह की खोज हो जो ये साबित करे कि ब्रह्म की सत्ता है वैसे तो आज मुझे लगता है कि हमारे साहित्य के स्टॉल में ब्रह्मांड रहस्य नाम का एक साहित्य है आप उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किस तरह से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है और उसको जब आप पढ़ेंगे तो वैज्ञानिक तरीके से उसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिए गए हैं जो ये साबित करते हैं कि भौतिक विज्ञान भी ब्रह्म के अस्तित्व को नकार नहीं सकता है एक कोई ऐसी भले ही कोई परमात्मा कहे ना कहे राज्य कहे ना कहे वो अलग चीज है लेकिन कोई तो ऐसी सत्ता है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है और जब आप अध्यात्म के क्षेत्र में खोज करने लगते हैं आप केनोपनिषद खोल करके देख लीजिए उसमें भी स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि किसने इस सृष्टि को बनाया है इस खेल को इस ब्रह्मांड को बनाया है आप किरण्तन की वाणी ही पढ़ेंगे तो पहले ही प्रकरण में चौपाई आती है कि पांच तत्व मिल मोहल रचियो है सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो? पांच तत्व से मिल करके के जो ये ब्रह्मांड बना हुआ है वो अंतरिक्ष में कैसे अटका हुआ है अभी आज से लगभग पाँच छः साल पहले एक खोज हुई और उस खोज क्या विचार विमर्श हुआ वैज्ञानिकों में और वैज्ञानिकों ने एक निष्कर्ष दिया कि जो ग्रेविटी है गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो ग्रेविटी एक ऐसी शक्ति है कि जिस मात्रा में है ना पृथ्वी में उसमें से यदि एक प्रतिशत भी कम होता तब भी सृष्टि नहीं चलती और एक प्रतिशत अधिक होता तब भी सृष्टि नहीं चलती तो वैज्ञानिकों ने क्या निर्णय लिया क्या निष्कर्ष निकाला कि कोई तो ऐसी शक्ति है जिसने इस सृष्टि की ग्रेविटी को एक ऐसी सेटिंग तैयार करके दी है जिसमें ये सृष्टि घूम रही है चल रही है अन्यथा यदि ये अपने आप ही बनी होती तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती थी उन्होंने कहा कि इतने परफेक्शन के साथ में कोई ऐसी सत्ता होगी वही सेट कर सकती है अब उस सत्ता के विषय में उनको पता नहीं है तो क्या करेंगे बता तो नहीं सकते बस कह सकते हैं कि कोई तो है ऐसा लेकिन हाँ, सारे वैज्ञानिक इस चीज को भी नहीं मानेंगे गॉड पार्टिकल का नाम लिया गया था कुछ समय पहले हिग्स और बोसोन के नाम से लेकिन अब कुछ कुछ वैज्ञानिक उसको गॉड पार्टिकल का नाम देते हैं और कुछ कहते हैं कि गॉड पार्टिकल तो सिर्फ नाम है गॉड का मतलब वहां पर भगवान या परमात्मा नहीं है तो वैज्ञानिकों में आपस में विरोधाभास तो है लेकिन वैज्ञानिक सिद्धांत भी कभी यह नहीं कहता कि जो चीज़ आपको पता नहीं है स्वीकार ना करो वो अलग चीज है लेकिन पूरी तरह से खंडन नहीं कर सकते क्योंकि भौतिक विज्ञान में तो खोज लगा ही रहता है ना डार्विन की जब थियरी आई चार्ल्स डार्विन की उस समय उसी के सिद्धांत को सबसे सही माना जाता रहा फिर जब डार्विन के सिद्धांत को लेनिन ने काटा तो लोग लेनिन की बात को सही मानने लगे, लग डार्विन को गलत ठहराने लग गए आज कुछ लोग लेनिन को सही मानते हैं कुछ लोग डार्विन को सही मानते हैं आज से लगभग 18 20 साल पहले जब आपने भौतिक विज्ञान पढ़ा होगा उसमें केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें तत्वों की संख्या कितनी थी एक है ना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन इत्यादि 108 तत्व थे आज 118 है अब आप ये कहें कि नहीं नहीं मैंने तो 108 ही पढ़ा है मैं 108 ही मानूंगा 118 तो हो ही नहीं सकता तो आप सही हैं कि गलत आपको उस समय में नहीं पता था आज पता चल रहा है इसी तरह से अध्यात्म की खोज में जो बात लिखी गई है धर्म ग्रंथों में जो बात उपनिषदों में दर्शनों में वेद में लिखा गया है वही बात आज भौतिक विज्ञान के जो लोग हैं वो खोज रहे हैं और धीरे धीरे मान भी रहे हैं महामती जी ने ऐसे ही नहीं कहा खोज बड़ी संसार संपूर्ण संसार के लिए खोज का बड़ा महत्व है अध्यात्म क्षेत्र में तो हमें पता ही है लेकिन मेरा ये विषय है आज का कि किस तरह से भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान जिसको मेटाफिजिक्स कहा जाता है दोनों को एक करके हम सब आगे बढ़े जितने बुजुर्ग यहां पर बैठे हुए जिन्होंने भौतिक विज्ञान के विषय में नहीं पढ़ा होगा आपके लिए तो चर्चा पहले ही हो चुकी है सागर श्रृंगार की वाणी सुन चुके हैं आचार्य सूर्य प्रताप जी के माध्यम से सुन चुके हैं तो मैं बस जो आज की नई पीढ़ी है उनको ध्यान में रख करके बात कह रहा हूं कि आपको यदि थोड़ा बहुत ज्ञान है भौतिक विज्ञान का तो आप ये ना कहें कि नहीं मैं अध्यात्म को नहीं मानता जो दिखता नहीं है जिसका जिसको हम छू नहीं सकते जो हम देख नहीं सकते उसको हम नहीं मानेंगे वो सिद्धांत गलत है एक बार क्या हुआ कि एक भौतिक विज्ञान के शिक्षक थे तो क्या हुआ कि कुछ बच्चे कुछ बच्चों ने किसी कॉम्पिटिशन में भाग लिया था वो जीत गए उस प्रतियोगिता को जीत गए तो उन्होंने बधाई दी विज्ञान के शिक्षक ने बधाई दी कहा कि तुमने जो किया बहुत अच्छा किया तो उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया सर ये तो भगवान की कृपा से हुआ परमात्मा की कृपा से हुआ तो कहने लगे तुम परमात्मा को मानते हो परमात्मा तो होता ही नहीं है तो उस बच्चे ने कहा नहीं सर मैं तो मानता हूँ मेरे माता पिता ने ऐसा ही सिखाया है तो सर ने कहा कि देखो विज्ञान क्या कहता है कि जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते वो एग्जिस्ट नहीं करता है होता ही नहीं है तो उस बच्चे ने कहा कि सर इस आधार पर तो आपके पास दिमाग ही नहीं है टीचर ने कहा कैसे बोले आप अपने दिमाग को देख सकते हैं नहीं आप अपने दिमाग को छू सकते हैं नहीं तो उसने कहा कि सर भौतिक विज्ञान के आधार पर यह कहा जाता है कि जिस चीज को आप छू नहीं सकते देख नहीं सकते वो होता ही नहीं है आपने अपने दिमाग को देखा नहीं है आपने अपने दिमाग को छुआ नहीं है तो मैं कहूंगा कि आपके पास दिमाग ही नहीं है तो भौतिक विज्ञान मैं इस विज्ञान को वैसे विज्ञान नहीं कहता वैसे तो अध्यान कहना भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं होगा लेकिन मैं इसको अल्प ज्ञान कहता हूं क्योंकि जो मेटाफिजिक्स है जो अध्यात्म है आध्यात्मिक विज्ञान ने मैं आध्यात्मिक विज्ञान का तात्पर्य यहां पर वेद उपनिषद दर्शन से ले रहा हूं ब्रह्मवाणी तो उससे भी ऊपर का है मारिफत जिसको हम विज्ञान कहते हैं परम विज्ञान कह सकते हैं लेकिन वेद दर्शन उपनिषदों ने जो बातें कई हजार साल पहले या कई लाख साल पहले बता दी थी उसके ऊपर आज लोग खोज करते हैं जैसे आपके हिसाब से गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी की खोज किसने की है किसने की है न्यूटन है सर आइजैक न्यूटन है ना वो कब हुए कितने साल हुए होंगे उनको 200 साल हुए होंगे चलो 300 भी मान लो इससे ज्यादा तो नहीं हुआ होगा वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र आता है संयोग अभाव गुरुत्व पतनात् गुरुत्व मतलब ग्रेविटी है ना तो उस सूत्र का अर्थ है कि जैसे जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं या ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसके संयोग का मतलब उसके टिकने का कोई आधार न होने से गुरुत्व आकर्षण की वजह से वो चीज पतनात् मतलब नीचे गिर जाती है तो ग्रेविटी की खोज पहले हुई थी कि नहीं हुई थी हुई थी इसका मतलब क्या है कि हमारे यहां भारतीय परंपरा में या सनातन धर्म ग्रंथ में जो बातें पहले से ही लिखी गई है उन बातों के ऊपर आज लोग खोज कर रहे हैं लेकिन जिन ऋषियों ने ये बात बताई जिन ऋषियों ने ये तथ्य दिया इसका आधार क्या है इसका आधार है कि उन ऋषियों ने ध्यान किया वो ऋषि गुरुत्वाकर्षण की खोज में नहीं निकले थे वैसे तो सभी उस ब्रह्म को जानना चाहते थे पाना चाहते थे लेकिन अब खोज करेंगे तो दुनिया में खोज करेंगे तो सब कुछ मिलेगा ना जैसे हम एक पौराणिक अलंकारिक कथा सुनते हैं कि इस संसार में समुद्र मंथन हुआ समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली ना वो किस चीज़ को दर्शाता है कि संसार रूपी समुद्र में जब आप खोज करते हैं तो हर तरह की वस्तुएं उसमें मिलती है तो ऋषि मुनि भी खोज तो करना चाह रहे थे परम तत्व का लेकिन परम तत्व का खोज करते करते उन्होंने उसके अलावा सब चीज़ खोज कर डाली उस परम तत्व के अलावा हर विषय में उन्होंने बताया और परम तत्व के विषय में कहाँ तक जाग करके रुके जैसा कि सूर्य प्रताप जी ने क्या कहा था वेद अगम कहे उल्टे पीछे नेति नेति कर गाया उन्होंने परम तत्व के विषय में तो इतना ही कहा लेकिन दर्शन में उपनिषदों में भरपूर विज्ञान दे करके गए जिसके आधार पर या आधार ना भी कहें तो जिस पर आज भी लोग काम कर रहे हैं हमारा जो समाज रहा है या हमारी संस्कृति रही है वो बहुत ही उन्नत रही है किसी समय में जैसे हम वैसे तो कहते हैं कि राइट ब्रदर्स ने जहाज की खोज की थी विमान का आविष्कार किया था लेकिन हमारे यहाँ तो एक भारद्वाज ऋषि हुए नाम तो आपने सुना होगा भारद्वाज ऋषि प्रणीत एक ग्रंथ है उसका नाम है बृहद विमानिका शास्त्र वृहद मतलब बड़ा विमान के संदर्भ में वो बहुत बड़ा साहित्य है वैज्ञानिक तथ्य पर आज सबसे तेज चलने वाले जहाज को क्या कहते हैं सुपरसोनिक है ना सुपरसोनिक जहाज कहते हैं सुपरसोनिक जहाज से भी आगे का विज्ञान उस भारद्वाज प्रणित ग्रंथ में बृहद विमानी का शास्त्र में कहा है उस विमान को कहते हैं हाइपरसोनिक अच्छा कैसे चलेगा उसका भी वर्णन किया है और सुपरसोनिक जहाज की जो थियरी उन्होंने बृहद विमानी का शास्त्र में दिया है आज उसी थियरी पर काम करके इन जहाजों का निर्माण हुआ है ठीक है मैं ये सब चीजें इसीलिए बता रहा हूँ भले ही वाणी की चौपाई का भाव वो ना निकले लेकिन हम सबके अंदर एक तरह एक प्रकार की जिज्ञासा पैदा होना जरूरी है अध्यात्म के संदर्भ में धर्म ग्रंथों के संदर्भ में या ब्रह्मवाणी के संदर्भ में जब हमें इतना पता चलेगा कि हम जो जानते हैं वो तो एक कुआं है अध्यात्म विशाल सागर है इतना पता चलेगा तभी तो हम कुएं से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे इसलिए हम सबको अपनी कूप मंडुकता, मतलब कुएं के मेढ़क वाली प्रवृत्ति छोड़नी होगी और खोज की प्रवृत्ति को अपनाना होगा और खोजते खोजते हमें किसकी प्राप्ति होगी खोजत खोजत सतगुरु पाइए सतगुरु संग करतार हमें समर्थ सतगुरु की प्राप्ति होगी सतगुरु किसे कहते हैं सतगुरु साधो वा को कहिए जो अलख की देवे लख हद बेहद सबो समझावे तो सतगुरु जो बेहद से परे के विषय में बताते हैं अगम के अगम की गम देते हैं जब हमें ऐसे सदगुरु की प्राप्ति होगी तो उनके सानिध्य में परब्रह्म का हमें साक्षात्कार होगा पहले ज्ञान दृष्टि से और सद्गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने से आत्मिक दृष्टि से साक्षात्कार होगा तो इसीलिए आप सभी प्रबुद्ध वर्ग से पढ़े लिखे लोगों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आपके मन में कहीं भी अध्यात्म के विषय में यह संशय है कि नहीं ये तो आडंबर है ये रूढ़िवादिता है ये तो सिर्फ परंपरा है यदि ऐसा लगता है तो आप बस प्राणनाथ जी की वाणी को पढ़िए वेद दर्शन उपनिषद आदि को भी पढ़िए और इतना पढ़ने का समय नहीं है तो आप बुक स्टॉल में से कुछ साहित्य जैसे सत्यांजलि है ब्रह्मांड रहस्य है तमस के पार है ऐसे ग्रंथों को ऐसे साहित्य को लेकर के पढ़ी जिनमें इन सब में से आपको समझने लायक चीजें निकाल करके दी गई है तब आपको अध्यात्म के क्षेत्र में पहले तो रुचि पैदा होगी रुचि पैदा होगी तो आप खोज में आगे बढ़ेंगे और सदगुरु की शरण में पहुँच करके सदगुरु की बातों का आत्मसात करके अपने अध्यात्म के अंतिम मंजिल तक पहुंचेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जो दीपावली का अवसर है क्योंकि दीप का पर्व कहा जाता है प्रकाश का पर्व कहा जाता है मैं राज्य से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबके हृदय को ज्ञान और प्रेम के प्रकाश से प्रकाशित कर दें इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं सबको प्रणाम बोले श्री प्राणनाथ प्यारे